आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में हो रहे मतभेद के बीच शुक्रवार को नगर निगम की रानी लक्ष्मीबाई पार्क में प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। गीतांजलि मौर्य ने बताया कि संगठन की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव CFTUI नीरज चौबे की मौजूदगी में संगठन की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। मुख्य अतिथि के आगमन के बाद बैठक में सर्वसम्मति से प्रभावती देवी और गीता पांडे को संगठन विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण तत्काल प्रभाव से 2 वर्ष के लिए निष्कासित करने का फैसला लिया गया। बैठक में सहायिकाओं की वेतन वृद्धि संबंधित विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में आंगनबाड़ी कर्मचारी और सहायिकाएं मौजूद रहीं। कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य ये गोरखपुर जनपद में जनपद की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को संबोधित करने के लिए हमारे संगठन के जो CFTUI से हमारा संगठन संबंध है, तो CFTUI के राष्ट्रीय महासचिव नीरज चौबे जी आ रहे हैं और प्रदेश के जो आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन के जो जितने भी प्रदेश कार्यकारिणी के लोग हैं वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो सभी लोगों की एक आम सभा की बैठक है, संगठन में अब तक क्या हुआ और अभी क्या हम लोग कर रहे हैं, आगे क्या होगा, इन सारे चीज़ों की रणनीति तय होगी, सबका एक रूपरेखा तैयार होगा और इसी सब के लिए आज की एक मीटिंग रखी गई है। जो ये मजबूत कमेटी है, सभी को आपने व्यक्तिगत रूप से आज देखा, जो हमारे संगठन जान पहचान से चलकर आप सब लोगों के बीच पहुंची है, आप सब लोगों का उत्साह अगर सुधार बहने है पहले से भी पहचानती होंगी। अगर पहचानती है तो हाथ उठा करके हमें बताइए कि आपने कितने लोग सरकार से इनकी तो इसके पहले भी देखा है।